दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। दोस्तों हवाई चप्पल्स पहले लोग सिर्फ अपने पैरों को कीट पतंगों, कंकड़ पत्थर, कांटों से सुरक्षित रखने के लिए पहनते थे, लेकिन अब हमारे जीवन के लिए कपड़े महत्वपूर्ण हैं, वैसे ही चप्पल भी महत्वपूर्ण हो चुकी हैं। हवाई चप्पल का उपयोग गांव और शहर सभी जगह किया जाता है। शहरों में जहां इनका उपयोग फैशन के तौर पर किया जाता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोग हवाई चप्पल का इस्तेमाल अधिक करते हैं, जिससे इनकी मांग ग्रामीण इलाकों में ज्यादा होती है। इसके अलावा शहरों में फैशन के तौर पर इसका उपयोग होने के कारण एक व्यक्ति के पास एक जोड़ी से अधिक हवाई चप्पल्स हो सकती हैं, इसलिए भारत में इनकी बिक्री बहुत अच्छी होती है। ज्यादातर लोग चप्पल का प्रयोग घर के अंदर करते हैं, लेकिन कुछ स्लीपर ऐसे भी होते हैं जिन्हें पहनकर घर से बाहर भी जाया जा सकता है। बाजार में विभिन्न तरह के स्लीपर बिकते हैं, कई छोटी बड़ी कंपनियां इन्हें बनाकर काफी ज्यादा लाभ कमाती हैं। तो दोस्तों आप चाहे तो आप भी इस बिजनेस को शुरू करके हर महीने बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सभी जरूरी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। आइए अब जानते हैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी और कितनी लागत आएगी और इस बिजनेस से आप कितनी कमाई कर सकते हैं। चप्पल बनाने की फैक्ट्री के लिए सबसे पहले हम मशीनरी की बात करते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस के लिए आपको इन मशीनों की जरूरत होगी, जिनमें पहली है हैंड ऑपरेटेड सोल कटिंग मशीन, दूसरी है होल मेकिंग मशीन और तीसरी जो मशीन चाहिए होगी वो होगी फिनिशर ग्राइंडिंग मशीन। इसी के साथ आपको चप्पलों को विभिन्न रंगों और साइज का बनाने के लिए डाई कटिंग मशीन भी लेनी होगी। इन सभी मशीनों का सेट आपको करीब 1.5 से 2 लाख में मिल जाएगा। आप चाहे तो ये सारी मशीन ऑनलाइन indiamart.com से खरीद सकते हैं। दोस्तों मशीनों का पूरा सेटअप होने के बाद आपको चप्पल बनाने के लिए रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल लेना होगा, जिसमें सबसे प्रमुख होता है हवाई रबर शीट, जो आपको 350 रुपये के हिसाब से मिलती है। उसके बाद स्ट्रैप्स शीट लेनी होती है, जो 4 रुपये प्रति मीटर मिलती है। इसके अलावा स्ट्रैप और पैकेजिंग मटेरियल भी चाहिए होता है। दोस्तों इस बिजनेस में काम आने वाला कच्चा माल स्थानीय बाजारों में भी उपलब्ध रहता है, लेकिन आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। दोस्तों फैक्ट्री में चप्पल कैसे तैयार होती है थोड़ा वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले रबर की शीट को सोल कटिंग मशीन की सहायता से काटा जाता है। मशीन अच्छी क्वालिटी की हो तो कटिंग के दौरान ही चप्पल में फीते के स्थान पर सुराख हो जाते हैं। कटिंग के बाद ग्राइंडिंग मशीन की सहायता से चप्पल के चारों तरफ के खुरदरे भाग को प्लेन किया जाता है। चप्पल की कटिंग हो जाने के बाद इसे प्रिंट करने की आवश्यकता होती है। इसमें काफी कम खर्च आता है। एक बार चप्पल प्रिंट हो जाने के बाद उसे कुछ देर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है।
चप्पल सूख जाने के बाद ड्रिलिंग मशीन की सहायता से आवश्यक स्थानों पर किए गए सुराख को बड़ा किया जाता है। इसके बाद स्ट्रैप डालने की मशीन की सहायता से चप्पलों में फीते डाले जाते हैं। इस तरह चप्पलें तैयार होकर बाजार में बिकने आती हैं। चप्पल की पैकेजिंग के लिए आप कार्टून्स का प्रयोग कर सकते हैं। अपने द्वारा बनाई गई चप्पलों के लिए आपको कार्टून्स खरीदने होंगे। आप अपने चप्पल के पैकेट्स को आकर्षक बनाने के लिए इस पर विभिन्न तरह के रंगीले स्टिकर लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने ब्रांड का स्टिकर कार्टून पर चिपकाकर इसकी पैकिंग सकते हैं। कोई भी बिजनेस करने से पहले लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि तैयार माल को बेचेंगे कैसे। तो दोस्तों, शुरू में इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है तो अगली बार लोग मांग कर लेते हैं। आप अपनी चप्पलों की मार्केटिंग शहर के सभी बड़े छोटे चप्पल जूतों की दुकानों में कर सकते हैं। आप अपने चप्पलों को विभिन्न बड़े शॉपिंग मॉल तक भी पहुंचाकर बेहद आसानी से अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। सभी नए बिजनेस को एडवर्टाइजमेंट की आवश्यकता होती है, इसलिए आप अपने चप्पल का प्रचार आप रेडियो, अखबार, होर्डिंग, पोस्टर आदि के माध्यम से कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने में कितनी लागत आएगी वो भी जान लेते हैं। छोटे स्तर पर इस बिजनेस को शुरू करने में कम से कम 1 से लेकर 2 लाख रुपए की राशि की आवश्यकता होती है। अगर आप बड़े स्तर पर इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5 से लेकर 6 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। लागत के बाद अब ये भी जान लेते हैं कि इस बिजनेस से कमाई कितनी होगी। आमतौर पर एक जोड़ी चप्पल बनाने पर कुल लागत 30 से लेकर 40 रुपये आती है और ये चप्पल बाजार में 90 से लेकर 100 के मूल्य पर बिकता है। दिन भर में छोटे स्तर पर 100 दर्जन चप्पल बनाई जा सकती है, वहीं बड़े स्तर पर करीब 250 दर्जन चप्पलें तैयार की जा सकती है। इस हिसाब से आप कमाई का अनुमान लगा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में घंटी को जरूर दबा ले ताकि हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।